नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कामरूप कामाख्या की महायोगिन, महातांत्रिका, महाजादूगरनी लोना चमाड़ी जी, जिसकी साधना से साधक बड़े ही आसानी से भूत प्रेत दाकिनी शाकिनी या तांत्रिक माया जाल को बड़े ही आसानी से चुटकियों में काट सकता है। तो कौन है ये लोना चमाड़ी जी, कैसी होती है इनकी साधना, कितनी शक्तिशाली है लोना चमाड़ी जी, आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। विद्वान लोगों के अनुसार लोना चमाड़ी विभिन्न प्रकार की होती है, लेकिन सबसे ज्यादा पूजा और सिद्धियां कामरूप कामेखा वाली लोना चमाड़ी जी की ही होती है। लोना चमाड़ी जी की साधना बहुत ही शीघ्र फल प्रदान करने वाली मानी गई है। इस साधना में सिद्धि प्राप्त करने पर साधक हर प्रकार के वशीकरण, भूत प्रेत से छुटकारा, दाकिनी शाकिनी से मुक्ति, इस प्रकार के हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है। शावर मंत्रों में भी लोना चमाड़ी जी की दुहाई का बड़ा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि किसी भी शावर मंत्र को सिद्ध करते समय लोना चमाड़ी की दुहाई देने से मंत्र अति शीघ्र सिद्ध होते हैं। लोना चमाड़ी जी के गुरु जी का नाम है इस्माइल योगी, लेकिन बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि गुरु गोरखनाथ जी भी लोना चमाड़ी जी के गुरु थे। लोना चमाड़ी जी कामरूप कामेखा देवी की महाभक्त थी और लोना चमाड़ी जी ने कामरूप कामेखा में आके महासिद्धियां भी हासिल की थी। लोना चमाड़ी जी को अगर तंत्र की महारानी भी कहा जाए तो शायद गलत नहीं है, क्योंकि लोना चमाड़ी जी असीम ताकत की यानी असीम तंत्र की ताकत की मालकिन थे। और ऐसी जनश्रुति भी है कि लोना चमाड़ी जी ने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया या अपने तंत्र के द्वारा कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया। नीलाचल पहाड़ स्थित मां कामाख्या के शक्ति पीठ में लोना चमाड़ी जी ने अपनी साधनाओं की सिद्धि की थी। और कामरूप में ऐसी कई जगह है जहां पे लोना चमाड़ी जी की साधना स्थली है, और ऐसी ही साधना स्थली हमने एक वीडियो में आपको दिखाया था, जिस वीडियो का लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कामरूप में और कामरूप के आसपास ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पे लोना चमाड़ी जी ने अपनी साधना की थी, लेकिन फिलहाल अभी बारिश के मौसम होने के कारण उस जगह में जाने की जो है स्थिति नहीं है। लेकिन जब सूखे का मौसम आएगा तब वो स्थान हम आपको जरूर दिखाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी आपने शायद कामरूप तिरिया राज्य के बारे में बहुत बार सुना होगा और इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस भी हमारे चैनल पर है, जिसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो। कामरूप तिरिया राज्य या तिरिया राज्य में ऐसी मान्यता है कि मर्दों को जानवरों में बदल दिया जाता था, और मर्दों को जानवरों में बदलने की जो विद्या है, इस विद्या में लोना चमाड़ी जी महापारगत थी। और ऐसी मान्यताएं भी है कि इस विद्या को जानने वाली लोना चमाड़ी जी की कई शिष्या भी तिरिया राज्य में हुआ करती थी, जो मर्दों को जानवरों में बदल देती थी। लेकिन क्या आपको लगता है लोना चमाड़ी जी, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, अपनी तंत्र विद्या का गलत इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने या उनकी शिष्या क्या कभी भी किसी निर्दोष मर्द को बिना वजह ही जानवर में बदल दिया करती थी? असल में ऐसा नहीं है। तिरिया राज्य को लेकर ये एक गलत अफवाह है। असल में जो लोना चमाड़ी जी की शिष्या थी या फिर तिरिया राज्य में रहने वाली जो औरतें थी वे योगिनियां थी। और ऐसी मान्यता है कि जो मर्द गलत मंशा से या गलत इरादे से उस इलाके में प्रवेश करने की कोशिश करते थे, उन्हीं मर्दों को वे योगिनियां या साधिका जानवर में बदल दिया करती थी। तो चलिए अब इस वीडियो में जानते हैं उस चमत्कारी लोना चमाड़ी जी की साधना के बारे में। लेकिन किसी भी साधना को शुरू करने से पहले गुरु दीक्षित होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोई भी साधना या कोई भी सिद्धि बिना गुरु के मार्ग दर्शन के बगैर करना अनुचित है और ये लाभदायक भी नहीं है। लोना चमाड़ी जी के शावर मंत्र जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी में लिख दिया है, आप चाहो तो देख सकते हो। लेकिन सबसे पहले चलिए जानते हैं शावर मंत्र क्या होता है। तो ऐसी मान्यता है कि शावर मंत्र का रचयिता गुरु गोरखनाथ जी और मच्छिंद्रनाथ जी है।
मान्यता है कि शाबर मंत्र सबसे पहले भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया था, फिर बाद में गुरु मच्छिंद्रनाथ जी और गुरु गोरखनाथ जी ने इसे आम जन के फायदे के लिए विकसित किया। हिंदू धर्म में मौजूद अधिकतर मंत्र संस्कृत में ही दिया गया है, उसके विपरीत शाबर मंत्र सरल तथा किसी भी स्थानीय भाषा में हो सकता है और शाबर मंत्र की जाप की कोई सीमा या मात्रा निर्धारित नहीं है। तो चलिए अब जानते हैं लोना चमाड़ी शाबर मंत्र सिद्धि के कुछ प्रचलित नियमों को। लोना चमाड़ी को सिद्ध करने के लिए शाम के समय आपको पूर्व दिशा की ओर अपना मुंह करके आसन पर बैठ जाना है और उसके बाद साधक को अपने सामने सुगंधित तेल का दीपक जलाना है और साधना के पहले दिन साधक को अपने सामने दो लड्डू, एक मीठा पान, दो लौंग, दो इलायची और 7 प्रकार की मिठाई अपने सामने रखना है। साधक को लाल रंग के आसन पर बैठना है और अपने सामने चौकी लगाना है और चौकी में लाल वस्त्र बिछाना है। साधक को सफेद वस्त्र पहनना है और चौकी में अपने गुरु या गुरु गोरखनाथ जी की तस्वीर लगाना है। 51 सफेद फूलों की माला साधक को अपने हाथों से बनाकर उस तस्वीर पर चढ़ाना है। इसके बाद सबसे पहले साधक को अपने गुरु का पूजन करना चाहिए और फिर गणेश भगवान की पूजा। इसके बाद साधक को अपने चारों तरफ रक्षा मंत्र के द्वारा सुरक्षा घेरा बनाना है। इसके बाद शाबर मंत्र का अपने सामर्थ्य के हिसाब से जाप करना है और फिर अगले दिन किसी सुनसान जगह पर जाकर इन मिठाइयों को फेंक देना है और मुड़कर वापस नहीं देखना है। साधक को रोजाना एक समान मात्रा में ही मंत्रों का जाप करना चाहिए। किसी दिन ज्यादा या किसी दिन कम ऐसा जाप करने से कोई फायदा नहीं है या फिर साधना सफल भी नहीं हो सकता है। साधक को लगातार 21 दिन तक ये साधना करना है और 21वें दिन फिर से साधना में साधक को अपने सामने दो लड्डू, एक मीठा पान, दो लौंग, दो इलायची और 7 प्रकार की मिठाई अपने सामने रखना है और अगले दिन किसी सुनसान जगह पर जाकर उसे फेंक देना है और वापस मुड़ के नहीं देखना है। इस तरह साधक से लोना चमाड़ी की साधना सिद्ध हो जाती है और फिर साधक अपने किसी भी काम को करवाने के लिए इस सिद्धि का प्रयोग कर सकता है। जब साधक को लोना चमाड़ी सिद्धि मंत्र का इस्तेमाल करना हो तो मन ही मन 7 बार लोना चमाड़ी के मंत्र को पढ़कर उसका जाप करना चाहिए और लोना चमाड़ी जी से मन ही मन में अपने काम को पूरा करने की गुहार लगाना चाहिए और जब साधक का काम पूरा हो जाए तो लोना चमाड़ी जी की पूजा करके 7 प्रकार की मिठाई किसी भी सुनसान जगह पर जाके रख देनी है। साधना के 21वें दिन लोना चमाड़ी जी खुद अपने सौम्य रूप में साधक के सामने प्रकट होती है और कुछ वचन भी साधक से लेती है। साधना के पूर्व कई नियमों का पालन जरूरी है, इसीलिए किसी भी साधना को खुद से ना करें, गुरु से दीक्षित होकर ही साधना आरंभ करें ताकि किसी भी नुकसान के बगैर आपकी साधना सिद्ध हो।